हेलो गाइस, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप किसी भी प्रोग्राम को ब्लॉक कर सकते हो विंडोज फायरवॉल की मदद से। तो अगर आप नहीं जानते विंडोज फायरवॉल क्या है और विंडोज फायरवॉल क्या काम करता है, इससे क्या होता है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा और कैसे आपको करना है, और वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं हमें कैसे करना है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलती है डेली एक न्यू वीडियो न्यू टाइप की, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो गाइस, विंडोज फायरवॉल ऐसे काम करता है। मान लो अगर आपके पास एक सॉफ्टवेयर है और उस सॉफ्टवेयर को आप बस ऑफलाइन यूज करना चाहते हो, मतलब आप चाहते हो उस सॉफ्टवेयर को आप जब भी ओपन करो वो सॉफ्टवेयर इंटरनेट कनेक्शन के साथ कनेक्ट ही ना हो, वो बस ऑफलाइन रहे और आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उससे वो कनेक्ट ना हो। मतलब अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट भी होते हो तब भी वो सॉफ्टवेयर अगर आप ओपन करते हो तो भी वो सॉफ्टवेयर इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसे बहुत टाइम होते हैं कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर ओपन करो तो बार बार अपडेट दिखाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। बहुत से टाइम ऐसा भी होता है कि हमारे पास डेटा कम रहता है, हम नेट ऑन करते हैं और वो सॉफ्टवेयर जो है बहुत ही जल्दी नेट से कनेक्ट हो जाता है और हमारे सारे डेटा जो है वो खा जाता है। ऐसे भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो आप कैसे इससे बच सकते हो और किसी भी प्रोग्राम को आप बहुत ही आसानी से ब्लॉक कर सकते हो, ताकि वो प्रोग्राम बस ऑफलाइन काम करे और आपका इंटरनेट अगर ऑन भी रहे तब भी वो इंटरनेट से कनेक्ट ना हो पाए। तो चलिए देख लेते हैं और जान लेते हैं हमें कैसे करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सर्च बार पे, मतलब स्टार्ट मेनू पे। उसके बाद सर्च बार पे जाने के बाद आपको टाइप करना है विंडोज फायरवॉल, देन इस पे क्लिक कर लेना है। और उसके बाद इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। उसके बाद आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर लिखा हुआ है इन बाउंड रूल्स और नीचे लिखा हुआ है आउट बाउंड रूल्स। तो आपको इन बाउंड रूल्स पे क्लिक करना है। उसके बाद न्यू रूल पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद कस्टम पे जाइए, हिट नेक्स्ट। उसके बाद एक प्रोग्राम सिलेक्ट कर लीजिए, जो प्रोग्राम आपको, अगर आप ऑल करेंगे तो सब जितने भी आपके पास जितने सॉफ्टवेयर हैं वो सब इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, सब ब्लॉक हो जाएंगे। आप फिर से उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन ऑल प्रोग्राम पे मत कीजिए, क्योंकि बहुत सा टाइम ऐसा होता है आपके पास जो ब्राउजर होता है वो भी कनेक्ट नहीं हो पाएगा। सो जो प्रोग्राम आपको ब्लॉक करना है स्पेसिफिक प्रोग्राम, उसको ब्राउज करके सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ब्लॉक कर दीजिए। तो मैं यहाँ से एक कर देता हूँ। मेरे पास ये प्लगइन है और ये बहुत टाइम जो होता है बार बार रजिस्टर का मांगता है, मैंने बहुत बार किया फिर भी मांगता है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है, देन फिर से, एंड उसके बाद हमें ब्लॉक द कनेक्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, फिर नेक्स्ट। और एक नाम दे दीजिए, जैसा भी आप नाम आपको देना है एक नाम दे दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, फिनिश। तो हो गया। उसके बाद हमने इनबाउंड रूल्स जो है वो कर लिया। उसके बाद हमें आउटबाउंड रूल्स पे भी काम करना है, तो उस पर क्लिक कर देते हैं और उसके बाद न्यू रूल पे क्लिक करते हैं। उसके बाद कस्टम, नेक्स्ट, प्रोग्राम जो सिलेक्ट किया था हमने उस प्रोग्राम को ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि इनबाउंड रूल्स किया था तो हमें आउटबाउंड रूल्स भी करना है, मतलब पूरी तरीके से वो ब्लॉक हो जाए, कहीं से भी वो इंटरनेट को कनेक्ट ना कर पाए। फिर से ओपन कर देते हैं, देन नेक्स्ट नेक्स्ट, देन ब्लॉक द कनेक्शन, नेक्स्ट, देन फिर से नेक्स्ट। और एक नाम दे देते हैं, कोई भी, सेम नाम देने की भी जरूरत नहीं, कोई भी नाम दे सकते हो आप, देन फिनिश। तो आपका जो प्रोग्राम था वो ब्लॉक हो चुका है विंडोज फायरवॉल की मदद से। बहुत ही आसानी से कैसे आप ब्लॉक कर सकते हो किसी भी प्रोग्राम को, जैसे कि जो सॉफ्टवेयर आपको बहुत परेशान करता है, अगर आप नेट ऑन करते हो आपका डेटा खा जाता है, तो उस सॉफ्टवेयर को आप बंद कर सकते हो और अपना डेटा जो है वो सेव कर सकते हो। तो जरूर से इस ट्रिक को यूज कीजिएगा अगर आप भी ये परेशानी भुगत रहे हैं। और अब आपको पता चल गया कैसे करना है, तो जल्दी से जाइए और आपके जो प्रोग्राम आपको परेशान कर रहे हैं उनको ब्लॉक कर दीजिए विंडोज फायरवॉल की मदद से। तो जल्दी से जाइए और कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मिलती है डेली एक न्यू वीडियो न्यू टाइप की, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ।
तब तक के लिए देख रहे टेक रूम, और आपको मिल जाएगी कल एक न्यू वीडियो।